नमस्ते, प्रतिभा फिरोदियाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे नारियल की बर्फी। नारियल की बर्फी बनाने के लिए मैंने ये दो नारियल कस के लिए है। नारियल के ऊपर का ये कवर मैंने निकाल दिया है। ये मैं फेंकने वाली भी नहीं हूँ, ये अब सब्जी बनाते हैं उसे में हम ये डालेंगे। अब देखते हैं नारियल बर्फी के लिए ये कसा हुआ नारियल, पीठी शक्कर, ये मैंने भैंस का दूध लिया है 1 कप, ये बादाम की कतरन है, ये पिस्ते की कतरन है और ये बटर स्कॉच एसेंस है, ये रोज पिंक है और ये येलो कलर है। अगर आप चाहे तो इसमें इलायची भी डाल सकते हो, वैनिला एसेंस भी डाल सकते हो, आपके पसंद अनुसार उसकी टेस्ट आप बनाइए। ये कसा हुआ नारियल मैं ये कटोरे से लेती हूँ। जितना नारियल है उतनी हमें शक्कर लेनी है। इस तरीके से मैंने ऐसे पैक करके ये नारियल लिया है। अब मैं इसे पैक पैक में डालूंगी। ये आधा बाउल है, यानी पूरा 1.5 बाउल हमारा कसा हुआ नारियल है। अब हम इसमें 1 कप ये भैंस का दूध है ये मिक्स करती हूँ। ये पीसी हुई शक्कर मिक्स करती हूँ। इसे भी 1.5 कटोरी लेना है। ये 1.5 कटोरी मैंने शक्कर उसमें मिक्स की है। एक 10-15 मिनट इसे मेल्ट होने के लिए रखेंगे। भिगोने के बाद ये मिश्रण मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब हम बर्फी बनाएंगे। इसमें घी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी नारियल में तेल होता है। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसे चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा बन जाए। ये अब गाढ़ा होने लगा है। मैंने इसे फुल क्रीम दूध डाला है, इसकी वजह से इसे खोए की एक खुशबू आती है। अगर आप चाहे तो उसमें आधा कटोरी क्रीम भी डाल सकते हो, आधा कटोरी खोआ भी डाल सकते हो, ऐसे भी वो अच्छी बनती है। इसे लगातार हमें मिलाते रहना है। पंद्रह से 20 मिनट तक मैंने ये पकाया है। अब इसे में हम छोटा चम्मच बटर स्कॉच एसेंस डालेंगे। ये अच्छी तरह से अब हम मिक्स करके लेंगे। अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। गैस बंद करेंगे। मैंने सेट करने के लिए बर्तन लिया है, इसे अंदर से घी लगाया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा व्हाइट बैटर डालती हूँ। बचे हुए बैटर में थोड़ा पीला कलर और थोड़ा रोज एसेंस कलर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। पीला कलर मिक्स करेंगे।
यह बर्फी अब हमारी तैयार है। इसे 2 घंटे के लिए सेट करने के लिए रखेंगे, फिर बाद में इसके पीस कट करेंगे। आशा करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और नई नई वेजिटेरियन रेसिपी सीखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।